I'm telling you today, मेरी बात सुनेगा सर, आपकी बात सुनूंगा और रोडी बन के जाऊंगा सर, रोडीज एक्स टू के आगे तक लेके जाऊंगा और उसके बाद भी तेरे को जिंदगी में आगे तक लेके जाऊंगा, मेरी बात सुनियो। मेरे को फिट रहने का बहुत शौक है और इसके अलावा मेरे को चैलेंजेस लेने का बहुत शौक है कि अगर तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो कि हाँ तू ये नहीं कर सकता, तो मैं अगर नहीं भी कर सकता तो मैं करूँगा, चाहे हो या ना हो बात की बात है, पर मैं करूँगा ज़रूर, क्योंकि पंजाब से हूँ, सोचता दिमाग से हूँ, पर जान पंजाबी है, खा जाता हूँ सब। प्रिंस की आला सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, खुश हैं? बहुत ज़्यादा, एक्टिविटी सेज कर रहे हैं सर, खुश ही होंगे। की उम्र है तेरी? 25 साल। क्या किया आपने 25 साल में? पहले एजुकेशन कम्प्लीट किया अपनी, उसके बाद वेरी गुड, सबसे इम्पोर्टेंट वेरी गुड, उसके बाद सर फ्रेंड्स के साथ ट्रिप जाना शुरू किया, कुछ अलग अलग चीज़ें लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू किया कि किसमें क्या है किसमें क्या है, जैसे आपसे मेरे को सुपरमैन पुशअप्स के मिलते हैं कि हाँ आप करते हो तो करने की चीज़ें, जैसे आप करते हो मैं क्यों नहीं कर सकता, वो चीज़ें पिक करी लोगों से। उसके बाद सर मिस्टर पंजाब टाइटल हुआ था उसके लास्ट ईयर, उसके अंदर मैंने खुद को प्रेजेंट किया, वहाँ पर मैं काफ़ी अच्छा रहा था और मैंने बहुत अपने बेस्ट दिए थे वहाँ पे चीज़ें, कुल मिला के मैंने अपनी लाइफ अभी तक इन्जॉय करी है सही तरीके से, मतलब खुद को बनाया, टाइम लगाया खुद को बनाने में, जज करने में कि हाँ मैं यहाँ पर अब इतना हो चुका हूँ कि मैं रोडीज जा सकता हूँ, या मैं इतना हो चुका हूँ कि मैं ये काम कर सकता हूँ। प्रिंस, यस सर, ऐसा कुछ कर जो रोडीज से पहले नहीं हुआ। यार इसमें तो मजा नहीं आ रहा है, ये तो तू कर लेगा, वैसे ही बॉडी बिल्डर है। फुल स्प्लिट कर, फुल स्प्लिट स्ट्रेचिंग, फुल स्प्लिट जो बैले वाली लड़कियां करती हैं आराम से। कम ऑन यार, ये तो अभी हम फिजिकल एरिया में घुस रहे हैं, मेंटली तो तेरे को अभी चैलेंज कर ही रहे हम, अब ऐसे रहना और नीचे जा, और नीचे जा। तेरी स्ट्रेचिंग बेटर हो गई बाय द वे, जब से तूने शुरू किया था ना उससे थोड़ी बेटर हो गई। अच्छा अब एक गाना गा, ये हो ना इस पोजीशन में कोई गाना गाएगा आदमी तो मजा आएगा। कम ऑन प्रिंस, ओ लड़के 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 भी आ संगरूर आंदे जट ते बाणियां लड़ पे भी बाणियां ने जट टालिया, ओ बाणियां ने जट टालिया उते पैर दा काल जहा तड़के भी जट कहंदा उठ लैण दे, ओ जट कहंदा उठ लैण दे तेरी खबर लहूंगा खड़ के भी जट कहंदा उठ लैण दे, खबर लहूंगा खड़ के भी जट कहंदा उठ लैण दे। मैं नहीं उठन देना, मैं नहीं उठन देना, हाले रुक जा डट जा, जट है ना उठ लैण दे, जट ना उठन दो तेनू आज, उठ जा यार बंदे ने क्यों तंग कर दे, चल 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 उठ जा उठ जा। सुपर, ये तो हो गया फिजिकली, अभी मेंटली भी कुछ चेक कर लें अपन। इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या था ये बता दे सर। पहले प्राइम मिनिस्टर सर, दादा प्रोटीन्स खा लिया तूने सर? याद भी है मम्मी, याद है ना तू, याद कर। उसको इस टाइम पे अपनी पहली गर्लफ्रेंड का नाम नहीं पता जो की हालत है। अच्छा सुन, ये मेरे से बहुत पहले की बात थी इसलिए अब नया टॉपिक। अभी कुछ टाइम पहले इंडिया का जो इसरो है ISRO, उसका फुल फॉर्म पूछूंगा तो नहीं आएगा तो रहने देते हैं, उसने एक अंतरिक्ष यान कहाँ भेजा है? कुछ और करा लो सर। कैसा है यार? इंडियन यूथ। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं हम तेरे को शर्मिंदा नहीं कर रहे, मजे कर रहे हैं। पर 13 सेवन जा कितने होते हैं? हाँ जी 13 × 7। 13 × 7 हाँ कर ले कर ले। नाउ दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, रोडीज अगर सिर्फ बॉडी बिल्डर्स और एथलीट्स के लिए होता तो हम स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट चले जाते पटियाला में और वहां से लोगों को उठा लेते अपनी अपनी टीम्स में। एक दो साल बाद आते हैं जब तूने अपने इंटेलिजेंस में भी तैयारी कर ली होगी, बॉडी में तो तूने फिजिकली तैयारी कर ली है, फिर हम लोग करेंगे रोडीज, ठीक है? हाँ जल्दी नहीं जा सकता, यहाँ पे बेस्ट लेके आया हूँ, अभी कुछ तो करके जाऊँ। पर तेरा दिमाग तो है नहीं? हाँ जी दिमाग तो ऐसा नहीं है सर, दिमाग नहीं है सर, कुछ चीजें होती है जो किसी को नहीं पता होती, हर किसी का अपना 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 एज होता है। मेरे को लगता है तुझे चेंज करना, मुझे लगता है रोडीज पे इसको लोग चिढ़ा चिढ़ा के कि ऐसा सीन है तेरे को रगड़ देंगे दिमाग से, तेरे को अपने जान दिखाने का मौका नहीं मिलेगा, उससे पहले दिल प्ले विद यू। सर पंजाबी होता है ना वो सोचता यहाँ और यहाँ से है,
पर जब उस पर कुछ चलता है ना, जैसे कोई चाहे बातचीत से हो जाए किसमें हो, फिर सर उसका जिगरा और जज्बा बाहर आता है। अगर हम सर झुकाना जानते हैं ना सर, तो उसके उड़ाना भी जानते हैं। अगर कोई पंगा लेगा तो मैं उड़ा भी दूंगा। ऑलराइट ब्रदर प्रिंस, यस सर, 60 और सेकंड्स है, हम कोई सवाल नहीं पूछेंगे तुझसे। इस 60 सेकंड्स में हम लोग अपने दिमाग में जाएंगे और तेरा जो ऑडिशन हमारे दिमाग में प्ले करेंगे और सोचेंगे क्या तुझे मेरे गैंग में होना चाहिए नहीं। ऑलराइट, योर टाइम स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 गो। सर प्लीज, मैं बस रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मेरे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है अपने टास्क कंप्लीट, अपना अपना को दिखाने की, तो प्लीज़ आप मेरे को इन आंसर्स की वजह से जज मत करना, मेरे के अंदर जज्बा देना कि मेरे अंदर क्या पावर है क्या है, क्योंकि मैं पागल हूँ इन चीज़ों में। मैं रोडीज बनना चाहता हूँ, रोडीज में आना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत टाइम लिया इसको आने के लिए। और जिसकी टीम में आऊँगा मैं अपना बेस्ट दूंगा, 1000% दूंगा, एंड आई प्रॉमिस कि मैं जीतूंगा और मैं रोडीज बनूंगा। हम दोनों ने ये चूज किया, ये सोचा है कि तू हमारे गैंग में आए। अब ये जो पावर है कि तू किसके गैंग में जाएगा, ये है तेरे पास। तो क्यों चाहिए मेरे को? क्योंकि he's a sports person. मैं मानता हूँ स्पोर्ट्स पर्सन कई बार स्पोर्ट्स के चक्कर में एजुकेशन कम रह जाती है, उनकी जीके कम रह जाती है, बट जो भी बोलता दिल से बोलता दिल से करता है। मैं मानता हूँ ये टास्क में 100% देगा, अगर नहीं देगा तो फिर देख ला, फिर मैं अपना काम करूंगा। फिर मेरे गैंग में आएगा तो तुझे सिर्फ दिमाग, दिल, जोश, सब चीजों की जरूरत है, लेकिन मुझे चाहिए डिसिप्लिन। मैंने एक बार ही बोल दिया वो अपना काम नहीं कि 1500 पुशअप्स तो 1500 काम नहीं है, 17x17 तो 17x17 ऐसे थोड़ी ना होता है। अभी दिया था ना मौका, देख डिसिप्लिन नहीं, ये तो मौका का दिया था, जब बोला था कि बोलो 30 सेकंड तो दैट इज रॉन्ग थिंग यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। अगर तुझे बॉक्सिंग के उसमें जाना था चैंपियनशिप में, तो मैं तेरे बोलता मेरे दोस्त के पास जा, लाइक ट्रू स्पोर्ट्स पर्सन स्पिरिट जो है तो है। मैंने भी बास्केटबॉल खेला है भाई, तू देख ले ओलंपिक, ओलंपिक में तो नहीं बट नेशनल खेला कर ले, दोनों में से कौन सा चाहिए? ऐसा नहीं है, इस शो में जब नहीं था और अब हूँ, ये मेरा माइंड सेट था, जब भी आऊंगा तो सर की टीम में आऊंगा। I am telling you today, मेरी बात सुनेगा सर, आपकी बात सुनूंगा, रोडी बन के जाऊंगा सर, रोडीज एक्स 2 के आगे तक लेके जाऊंगा और उसके बाद भी तेरे को जिंदगी में आगे तक लेके जाऊंगा, मेरी बात सुनियो। अभी इधर और ये डॉग टैग ले जा। रणवीर जी की टीम में, हाउ यू फीलिंग राइट नाउ? बहुत ज़्यादा, एक सपना था जो लेकर आया था कि मुझे रणवीर सर के साथ काम करना है, उनके साथ रहकर एक्सपीरियंस लेना उनका कि वो चीज़ें कैसे करते, जो मुझे आज तक मन है और मैं वो करूँगा।